देखा ये हो रहा है इस घर में, और आप लोगों की नजरों में सिर्फ मैं पागल हूं। जाबिर, तुमने आसाम को फोन किया, पूछा उससे? भाई जब लाइट गई थी तो मैं आसाम से ही फोन पे बात कर रही थी। हो सकते है वो घर से बाहर खड़ा होकर तुम्हें कॉल कर रहा हो। भाई मैं वीडियो कॉल पे उनसे बात कर रही थी, वो ऑफिस में थे। ऑफिस से यहाँ तक का रास्ता 1 घंटे का है, वो यहाँ कैसे आ सकते? अंधेरा था बेटे, हो सकता है तुम्हारी नजरों को कोई धोखा हो। मेरा वहम है अम्मी, मिनाहिल का वहम है। अब राबेल ने भी जो कुछ देखा है वो उसकी आंखों का धोखा है। आप लोग मान क्यों नहीं लेते हैं इस घर में कुछ है? वानिया कमरे में जाओ। हाँ वरेन का स्कूल है, उसे जाके सुनाओ। वानिया कमरे में जाओ प्लीज। मैं आए तुम जाओ। तुम्हारी शादी होने वाली है राबेल, नए घर में जा रही हूँ, नए लोगों में जा रही हूँ। अगर इस तरह की बातें करोगी तो परेशानियाँ तो बढ़ेंगी ना। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुमने तो छोड़ के चले ही जाना। यहाँ पर जो भी जिन होगे ना, उसके साथ मैं डील कर लूँगा। खुश खुश जाओ यहाँ से। आज रात को अकेले भी सोने की ज़रूरत नहीं है बेटे, तुम मनाहिल के साथ सो जाना। मैं छोटा हूँ कमरे तक। मैं चले जाऊँ। ये जो कुछ भी है समीर, इसका कोई हल तो ढूंढना पड़ेगा। तुम इसे सीरियस नहीं ले रहे हो। ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बात राबी उनके ससुराल वालों तक पहुंचे। उन्हें कौन बताएगा समीर? वही जो उनको जानती हैं, आपकी सगी हमारी चची जान। खैर ये शादी खत्म हो लेने दे, मैं मौलवी साहब से बात करता हूँ, निकालते हैं इस मसले का कुछ हल।